people fortunately didn't forget Bulbulaya 1 after 14 years also. They still remember, and I think that's what worked in our favor. The name itself, Bulbulaya 2, of course, and songs jo hamare hain, Mere Dholna and Hare Rama Hare Krishna, or Anjulika Manjulika. This factor was the same, otherwise the story was completely new. Nothing like the first one. That's what I think worked in our favor, and being a part of such a lovely franchise felt good. It's a franchise. I think thoda fark hai isme. Main manta hu ki wo, it's not exact. The story is completely different and new. Ek kahani pehle se puri alag hai. Koi relation nahi hai dono mein. Title jaise maine kaha same hai, Bulbulaya. But jo take hai, as a director ka jo take hai, wo pura alag hai. और क्यों नहीं, अगर वैन ए कंपनी फील्स के उनका ये जो प्रोडक्ट है वो दोबारा यूज़ हो सकता है एक नए फॉर्मेट में, नए स्टाइल में, और सक्सेसफुल हो सकता है, तो आई थिंक उन्होंने जो सोचा वो सही था. जो सुपर हिट्स हैं, उन्होंने इतनी सारी सुपर हिट फिल्में डायरेक्ट करी हैं, तो अनीस भाई का तजुर्बा सबसे ज़्यादा था इसमें. अनीस भाई एक लेजेंड है अपने आप में, और इतने बढ़िया उमदा डायरेक्टर हैं, जो इतने एक्सपीरियंस उनको है कि उनसे बातें हम सुनते थे तो इतना हम सीखते थे सुन सुन के. कल तो ऐसा हो गया कि सोशल मीडिया इतना हावी हो गया सब पे कि एक दुनिया छोटी हो गई है. लोग इतने अवेयर हो गए हैं गुड कंटेंट को लेकर कि ऑडियंस को बेसिकली टीवी में हो, फिल्म में हो, ओटीटी में हो, कहीं भी हो, या आपकी रील्स क्यों ना हो इंस्टा की, लोगों को अच्छे कॉन्टेंट देखने हैं, अच्छा काम देखना है, तो अच्छे काम को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है लोगों में. तो एक कंटेंट इज़ द किंग वाली जो बात है वो आज बहुत ज़्यादा लागू होती है. फिल्में हैं जो अनाउंस होंगी अभी जून में, तो एनडीए है मेरा, तो आई विल वेट फॉर दैट. दो और फिल्में अच्छे डायरेक्टर के साथ, तो मैं और एक टीवी शो है, लेकिन फिर वही बात होती है कि टीवी और फिल्म आजकल इतना डिमांडिंग हो गया है डेट वाइज के दोनों में से फिर एक किया जाए, नॉट बाई चॉइस बट, लेकिन क्या करें, क्योंकि जब मैंने एक्सपीरियंस किया लास्ट ईयर कि मुल्की के साथ साथ मेरे भूलभुलैया का शूट था, लेकिन वो डेट की मारामारी में पसीने छूट गए थे. तो आई थिंक फिल्म जो मेरी है अभी, अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं. लेट्स सी हाउ इट गोज़.